हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मंडे मार्केट एनालिसिस की, कि मंडे को मार्केट में हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, बुलिश या बेयरिश, और इस वीक मार्केट क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी अभी कहाँ खड़ा है और क्या करने वाला है। ठीक है, इसके लिए चलो एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ चेक करेंगे और फिर अपना एक मूड बनाएंगे कि इस वीक हमें ट्रेड कैसे करना है और इंट्राडे के लिए मंडे को ट्रेड कैसे लेना है। देखो एक यहाँ पर आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पर एक चीज मैं दिख रही है, मुझे दिखाता हूँ आप लोगों को, एक यहाँ पर पैटर्न नजर आ रहा होगा। देखो ये बॉटम है और ये देखो एक ही ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, एक ही यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है, ये देखो ये पैटर्न एक बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। लेकिन अगर इस पैटर्न को देखें तो कि ये धीरे धीरे तो बुलिश ही जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जा रहा है और अभी ये अपने ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर है। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा क्योंकि ये डोजी कैंडल बनाती है इसने, एक मिनट ये हट गया, इसने यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाई हुई है जो कि ये भी साइन करती है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे दे। अब देखना यह है कि पिछली क्लोजिंग से ऊपर ये डोजी बनी है या नीचे, पिछले वीक की क्लोजिंग से ऊपर है लेकिन ये डोजी पॉजिटिव हैमर है, हैमर ही पॉजिटिव है, जब जूम करके देखेंगे तो हैमर है, ये पॉजिटिव हैमर बना हुआ है क्योंकि पिछली क्लोजिंग के ऊपर है और एक पॉजिटिव है। शुरू के एक दो दिनों में पिछले वीक में सेलिंग आई, मार्केट 43,117 तक आया, उसके बाद बायर्स मार्केट में प्रेजेंट हुए और दो दिन के अंदर देखते ही देखते इसको मार्केट को यहाँ 43,903 तक लेके गए, लगभग 400 पॉइंट का मूव देखने को मिला। वापस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी हमें 44,000 के लेवल के ऊपर आकर के। 44,000 का लेवल दोस्तों याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 44,000 के टूटने के साथ ही कभी भी ट्रेड मत लेना क्योंकि मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 44,000 पर। ठीक है, तो 44,000 से 44,100 तक के कम से कम मार्केट जब तक ट्रेवल नहीं कर जाता, जब तक हम लोग उसके ऊपर बाइंग नहीं करेंगे। इंट्राडे के लिए छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड नहीं ले सकते वहां पर। तो अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर फ्रेंड्स आने के बाद देखो क्या हो रहा है, मार्केट नीचे है, मार्केट नीचे से ऊपर आया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, उसके बाद अभी ये यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका दूर है, पिछला रेजिस्टेंस देखो बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है, ये अभी रेजिस्टेंस से दूर है और इस रेजिस्टेंस पर देखो मार्केट ने किया क्या है। यहाँ पर कुछ कई दिनों से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, लगातार एक ही रेंज में ट्रेवल कर रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 44,167 का लेवल है जिसके ऊपर हम लोग बाइंग कर सकेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और एक ये 43,450 का लेवल है जिसके नीचे हम लोग सेलिंग का देखेंगे, जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब क्या हो सकता है, ये वैसे एक बुलिश मार्केट में यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट करना मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा कंसोलिडेट करता है मार्केट तो एक मार्केट में बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा बाइंग साइड का। ठीक है, अब इंट्राडे के लिए लेवल बनाते हैं, इंट्राडे वाले क्या करेंगे, अभी तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन है, तो आ जाते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं मार्केट को, इसे हटा देता हूँ मैं। ये देखो पूरी मार्केट यहाँ पर देख रहे हो, पूरी मार्केट यहाँ पर साइडवेज है, ये कंसोलिडेशन हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किस फॉर्म में, ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा ब्रेकआउट रिवर्सल जब भी आते हैं ना तो जितना अच्छा कंसोलिडेशन करता है अपने लेवल के पास मार्केट उतना ही अच्छा मूव देता है और ये वैसे ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये आ गए हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर मुझे एक पैटर्न और नजर आ रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है जो कि एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न है, आपको नजर आया, चलो मैं दिखाता हूं, देखो एक ये जोन है मार्केट की जहां पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, और एक ये जोन है मार्केट की जहां पर मार्केट बार बार कंसोलिडेट हो रहा है और या तो फिर यहां पर सपोर्ट बना रहा है, ये डिमांड जोन है। ठीक है, अब इस डिमांड जोन में मार्केट आ कहां से रहा है, ये देखो ये यहां से सपोर्ट स्टार्ट हुआ है और मार्केट ने कई बार यहां पर सपोर्ट लिया है। अब एक चीज देखो पैटर्न यहां पर एक क्या बन रहा है, देखो मार्केट आया यहां पर रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट टूटा नीचे आया, यहां सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, वापस से सपोर्ट, फिर गया ऊपर, फिर यहां पर रेजिस्टेंस, फिर यहां पर सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया। देखो मार्केट का जो मूव है थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा है, फिर मार्केट ने एकदम पैनिक सेलिंग दे दी यहां पर हमें नेक्स्ट दिन। ठीक है, अब ये सेलिंग दे दी, अब आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब ये कमेंट बॉक्स में करके बताना। और एक चीज और नजर आ रही होगी, देखो ये पैटर्न को मैं कंप्लीट करता हूँ, देखो ये मार्केट में पैटर्न जब भी बनेगा
तो या तो देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन है, डायरेक्टली यहाँ पर दे सकता है, या तो फिर थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आए यहाँ कहीं पर इस लेवल पर, या तो फिर इस लेवल पर सपोर्ट बनाए उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, या तो फिर दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है जो अक्सर करके मार्केट में देखने को मिलता है कि मार्केट अब गया है यहाँ से ऊपर, ऊपर जाने के बाद में मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए यहाँ पर रिटेस्ट करे या फिर सीधे से तोड़ के गैप अप खुल जाता है मार्केट। गैप अप खुलने के बाद अभी इसकी हम लोग बात करेंगे कल का दिन ट्रेड कैसे करना है। ये मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ कि ये बुलिश पैटर्न का साइन है। अभी आप लोग इसको हटा दो अगर कैंडल को, तो देखो ये बुलिश पैटर्न है। आपने बहुत जगह देखा होगा इस पैटर्न को, ये बुलिश पैटर्न है जो बहुत ही अच्छा काम करता है। मार्केट नीचे से आया है, यहाँ कंसोलिडेट हुआ है रेजिस्टेंस के पास और सीधे पढ़ के ऊपर निकल जाएगा। अब चलो इसे हटा देता हूँ मैं, अब इसे हटा करके देखते हैं कल के दिन के लिए लेवल क्या होंगे इंट्राडे के लिए और हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। देखो सबसे पहली चीज लेवल मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है कल के दिन, मान लो यहाँ पर कहीं पर खुलता है मार्केट 44,000 का, ये जो लेवल बना हुआ है 44,119 तक ये लेवल बना हुआ है, इस 100 के ऊपर कहीं का मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में मार्केट यहाँ से फिर नीचे आता है, नीचे आता है और फिर देखो यहाँ पर सपोर्ट अगर बनाता है, क्या मार्केट अगर यहाँ पर इसे सपोर्ट की तरह यूज करता है तो मार्केट एक बहुत अच्छा, यहाँ से देखना कि यहाँ पर कोई डोजी हैमर या बुलिश हरामी या वो सॉरी बुलिश हरामी या बुलिश एंगलफिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर पैटर्न बनाएगा मैटर, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न बनाने के बाद अगर बुलिश मार्केट जाता है ना तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, यहाँ पर मजा ही आ जाएगा समझ लो, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पर हमारा लेवल क्या रहेगा, हम लोग कहाँ पे बाई करेंगे ये मैंने बता दिया आपको, ये लेवल ड्रॉ कर लो देख करके कहाँ से कहाँ तक लेवल है। अगर नंबर जानना है तो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला जो नंबर है वो है बाइंग करेंगे 44,150 के ऊपर, 44,150 ये पहला लेवल हो जाएगा हमारा, नोट डाउन कर लो 44,150। अब मेन चीज कि मार्केट अगर यहां तक आएगा इसके ऊपर खुलेगा और यहां पर वापस से सपोर्ट बनाएगा मार्केट गैप अप खुल के तो जाएगा कहां तक, हमारा ये पॉइंट रहेगा एग्जिट पॉइंट। अगर मार्केट इसे तोड़ के ऊपर नहीं निकलता है यहीं पर कंसोलिडेशन बनाता है मार्केट तो हम लोगों का ये पॉइंट जो रहेगा ये होगा एक मिनट 45,125 का, लेकिन ये लेवल जो है ना ये 45,125 का है, ठीक है। लेकिन 45,000 पर यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई हुई है, ठीक है। ऑप्शन चेन देखने पर हमें पता चलता है, जब ऑप्शन चेन देखेंगे तो 44,500 पर यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, ये देखो एक मिनट आ गया 44,500, ये देखो 90,00,000 लोग अभी मौजूद हैं और इसके बाद 44,000 के बाद सबसे बड़ा नंबर यही है, 44,000 के बाद सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है ना इस रेजिस्टेंस के बारे में वो यही है ये येलो लाइन, तो इसको याद रखना 44,500 के आसपास हमें जब मार्केट आए ना तो बिल्कुल स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके वहीं पर लगा देना, क्योंकि अगर इसे नहीं तोड़ पाया तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो टारगेट हमारा क्या रहेगा ये वाला, दूसरा पॉइंट नोट कर लो 44,500 का जो लेवल है यहाँ पर अपना एसएल बिल्कुल स्ट्रिक्ट लगा देना आकर के। अब दूसरे सिनेरियो में बात करते हैं क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज खुलता है और फिर यहाँ पर वेट करना, फिर अगर साइडवेज खुल जाता है ना तो मार्केट में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड मत लेना कि नेगेटिव पॉजिटिव कोई ट्रेड ले लो, नहीं बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर मार्केट का मूड है बुलिश, अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करता है और आधे घंटे बाद एक घंटे बाद किसी टाइम पर भी या तो यहां से मार्केट ऊपर निकलेगा, जब ऊपर निकलेगा डायरेक्टली ट्रेड मत लेना कॉल साइड में, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके निकला तो यहाँ पर एक बार रिटेस्ट करने जरूर आएगा मार्केट, जब यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो इस लेवल को मार्केट सपोर्ट की तरह यूज करेगा, सपोर्ट की तरह जब यूज करेगा तब हम लोग यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा यही 44,500 का, दूसरा सिनेरियो, ठीक है। और अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, रिस्की ट्रेडर हो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो जैसे ये कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो पे कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, मार्केट अगर इसी रेंज के बीच में खुलता है गैप डाउन, ठीक है, या फिर यही साइडवेज होकर के भी मार्केट अगर नीचे आने लगता है तो पुट में ट्रेड मत लेना, कोई भी इंसान पुट में ट्रेड मत लेना जो ये वीडियो देख रहा है, मेरी बात को मानना, क्योंकि वो पुट आपका ज्यादा देर चलेगा नहीं, पुट आपका ज्यादा से ज्यादा कहां तक आएगा, बस ये लेवल जो देख रहे हो डिमांड जोन का जो है 43,530 या 550 का, मैं ये लेवल भी लिख देता हूँ अभी, अभी आपको देखना 43,500, ये देखो ये लेवल आ जाएगा 43,555 का लेवल है ये, इस लेवल से ज्यादा मार्केट नीचे टूटेगा नहीं, अगर टूटता है तभी हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा बनेगा
42,915 का, सॉरी पहला लेवल जो हमारा बनेगा वो बनेगा वो, नहीं ये यहाँ बनेगा, यार ये क्या हो रहा है, ये लेवल बनेगा हमारा, ठीक है, ये है 42,888 का, लिख देता हूँ 42,888 का ये लेवल है जो हमारा पुट में बनेगा। लेकिन इस लेवल को इतना ज्यादा मार्केट आने का दिख नहीं रहा क्योंकि मार्केट का सिनेरियो है बुलिश, तो यहाँ पर वेट करेंगे, पुट में हम लोग बैठेंगे इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है, वो भी डायरेक्टली नहीं, जब यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट जाएगा तब। अब साइडवेज खुलता है या गैप डाउन खुलता है, मार्केट आकर के यहाँ पर देख लेना 100% यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा जरूर, अगर यहाँ पर खुलता है तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा जरूर, बनाएगा बनाएगा देख लेना अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो। ये लेवल है 43,500 के आसपास का लेवल है, याद रखना, एक दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं, 43,500 इस लेवल पर गौर बना के रखना, ध्यान बना के रखना, ये बहुत ही अच्छा लेवल है, इस लेवल को यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करने आ सकता है। और फिर यहाँ से जब भी कोई एक बुलिश पैटर्न बनाए मार्केट, मान लो यहाँ पर हैमर बनाता है या तो फिर एक बियरिश कैंडल के बाद में यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग बनाता है या फिर बुलिश हरामी बनाता है, कुछ इस तरह का पैटर्न मार्केट बनाता है ना, तो यहाँ पर बाइंग कर लेंगे हम लोग, बाइंग करेंगे तो हमारा पहला टारगेट बनेगा ये 44,000, ये वाला, ये क्या लेवल है 44,050, ये भी लिख देता हूँ मैं 44,050, ये पहला टारगेट बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर जब मार्केट आ जाए तो अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल नजदीक ले आना, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर आ गया तो हो सकता है थोड़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट करें, और जो सेकंड हाफ होगा मतलब 2 बजे के बाद वाला टाइम, उसमें एक बुलिश मूव देते हमें यहाँ तक, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करता, यहीं से मार्केट रिवर्स आता है, तो पहली चीज तो बहुत ही ऐसा होना पॉसिबल इतनी जल्दी है नहीं, क्योंकि मार्केट ने एक बार, ये देखो दो बार, कई बार मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस बना दिया है मार्केट ने, अब कितना ही बनाएगा, मेन चीज ये है, देखो दो बार है ना, देखिए तीन बार ये भी रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने, उसके अलावा ये देखो चौथी बार ये भी रेजिस्टेंस की तरह बना मार्केट में। अब इतनी बार यहाँ पे जब रेजिस्टेंस बना चुका है ना मार्केट, तीन तीन चार चार बार रिटेस्ट हो चुका है, सब हो चुका है, तो मार्केट को अब यहाँ से बुलिश मूव दे देना चाहिए। अगर बुलिश मूव दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है तो ये हमारा जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे जब आएगा तो हम लोग फिर पुट बाई करने का देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कमेंट कर देना अगर आपके लेवल ये काम आते हैं, ये लेवल नोट डाउन करके रख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना है, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।